साथियों, वर्तमान युग जो है प्रतियोगिता का युग है और इस प्रतियोगिता के युग में किसी भी पद में जाने के लिए या किसी भी अगली कक्षा में प्रवेश के लिए हमें प्रतियोगी परीक्षा दिलाना पड़ता ही है। और इस प्रतियोगी परीक्षा जब हम दिलाते हैं तो उस हर परीक्षा में गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित के प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो आपके मन में जो गणित के प्रति भय है, गणित से जो आप डरते हैं, उस गणित के भय के भूत को भगाने के लिए मालिक राम वर्माचार्य जी आपके लिए विषय लेकर आए हैं। आपके पिछले वीडियो में हमें जो कमेंट्स प्राप्त हुआ है उस कमेंट्स को हम आपकी समस्या को हम दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो को लेकर आए हैं। आपने जो कमेंट्स लिखा है उस कमेंट्स को हम आपको समझाने आ रहे हैं। आपका प्रश्न था, सर 3 अंकों का अगर 4 अंकों से गुणा होगा तो हम किस प्रकार से करेंगे। आपने हमें प्रश्न भी लिख कर भेजा है तो उस प्रश्न की समस्या का समाधान हम बहुत ही सरलतापूर्वक आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए, आपका प्रश्न आया था, सर 143 गुणित 2314, ये आपका कमेंट है। इस कमेंट को हम किस प्रकार से हल करेंगे ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये प्रश्न आप ही का है, आपके द्वारा हमें भेजा गया है और इस प्रश्न को हम कितनी सरलता से किस प्रकार से हल करते हैं ये पूरे वीडियो में आपको बहुत ही सरलता से सहजतापूर्वक आप समझ सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप हर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट्स जरूर लिखें और कमेंट्स जो आपके प्राप्त होगा उस कमेंट्स को हम नोट करके रख रहे हैं और इस कमेंट्स को आपको हम दूसरे वीडियो में हल करके अवश्य ही बताएंगे। देखिए, 143 गुणित आपके प्रश्न है 2314। साथियों, ये प्रश्न 3 अंकों से 4 अंकों का गुणा किस प्रकार से करें, कोई समस्या नहीं है। इसे हम एक अंक में 0 लगा देते हैं, हमारे पास अब दोनों तरफ 4-4 अंक हो गया। अब इस 4 अंक का गुणा 4 अंक से जैसे करते हैं बस प्रक्रिया वही है। आपके मन में थोड़ी सी दिग्भ्रमित उत्पन्न हो गया था और उस जो दिग्भ्रमित हुआ था उसको हम दूर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको सहजतापूर्वक सरलतापूर्वक समझाने उपस्थित हुए हैं। देखिए, सबसे पहले इकाई और इकाई का गुणा करेंगे तो इकाई इकाई का गुणा क्या हो जाएगा, 3 और 4 का गुणा करते हैं तो 312 हासिल 1। इतना समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम इकाई इकाई का गुणा किए, दूसरे बार में हम क्या करते हैं इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 चौक 16, 16 और 3 होता है 19 और हासिल 1 20, हासिल 2, जिसका 0 लिखे और हासिल कितना गए 2। यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। तीसरे बार में हम क्या करते हैं ये देखते हैं, इकाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई का लंबवत गुणा कर देते हैं। चलिए, 3 3 9 4 एकम 4 9 4 13 और 4 एकम 4 13 और 4 17, 17 और 2 19 का 9 हासिल 1। चौथे बार में इकाई और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, इकाई और हजार का 3 दुनी 6, 4 0 0 0, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 हुआ, 4 3 12, 12 और 6 को जोड़े तो 18 हुआ, 1 एकम 1, 18 ये 19 और 19 और 1 हासिल आए हैं तो कितना हो जाएगा 20, जिसका 0 हासिल 2। फिर से देखेंगे, 3 दुनी 6, 4 0 0, 6 और 0 जोड़े तो 6 हुआ, 4 3 12, 12 और 6 18, 1 एकम 1, 18 ये 19 हासिल आया है 1 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल 2। अब एक बार पूरी प्रक्रिया हो गया है तो हम क्या करते हैं इकाई के अंक को छोड़ते चलते हैं। अब इकाई दहाई और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सैकड़ा का लंबवत। चलिए, 4 दुनी 8, 1 0
शून्य, आठ और शून्य को जोड़ेंगे तो आठ हुआ और तीन एकम तीन, तो आठ और तीन कितना हुआ ग्यारह, ग्यारह में हासिल आए उसको जोड़ेंगे, ग्यारह और दो तेरह, तेरह का तीन हासिल एक, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ सैकड़ा और हजार बचा, तो सैकड़ा हजार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन शून्य शून्य और दो एकम दो, तो शून्य और दो को जोड़ेंगे तो दो हुआ, हासिल हमारे पास एक है तो दो एक कितना हो गया तीन हो गया। अब सैकड़ा को भी छोड़ दिए, अब हमारे पास हजार बचा है तो हजार का गुणा हजार से लंबवत करेंगे, दो शून्य शून्य और शून्य यहाँ लिख दे हम शून्य, ये हमारा एक ही पंक्ति में आसानी से आपके समस्या का समाधान कर दिए। इसी प्रकार से और हमारे पास जो कमेंट आया है उसको भी हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा। आपका सेकंड प्रश्न था सर 112 गुणे 3128 को गुणा हम कैसे करें, तो ये भी जैसे पहला प्रश्न आपको समझ में आया है उसी प्रकार से ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए 112 गुणे 3128 इसका गुणा करना है, जैसे पहला प्रश्न था उसी प्रकार से इस वीडियो में हम उसी प्रकार से इकाई के अंक में इधर हजार के अंक में शून्य लगा देते हैं जिससे इसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। अब ये देखेंगे इकाई इकाई का गुणा करेंगे तो आठ गुणी कितना हुआ 16 हासिल एक, उसके बाद इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दो गुणी चार, आठ एकम आठ, आठ और चार बारह, बारह और एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13 हासिल एक, उसके बाद इकाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आठ एकम आठ, दो एकम दो, आठ और दो दस और दो एकम दो, दस दो बारह, बारह और एक तेरह हासिल एक, उसके बाद हजार में गुणा करेंगे तो इकाई और हजार का गुणा करते हैं आठ शून्य शून्य तीन दूनी छः, आठ शून्य शून्य तीन दूनी छः तो शून्य छः, शून्य और छः को जोड़ेंगे तो छः हुआ, फिर दहाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई दो एकम दो तो छः और दो जोड़ेंगे तो आठ, एक एकम एक नौ, नौ एक जोड़ेंगे तो दस का शून्य हासिल एक। अब एक बार पूरी प्रक्रिया हो गया तो हम इकाई के अंकों को छोड़ते चलते हैं, इकाई के अंक छोड़िए अब हम दहाई और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दो शून्य शून्य तीन एकम तीन, तीन और शून्य को जोड़ेंगे तीन हुआ, फिर एक एकम एक, तीन और एक चार, हासिल एक आए हैं तो पाँच, फिर दहाई के अंक को भी छोड़ दिए। अब सैकड़ा और हजार का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तीन एकम तीन, ये शून्य हो गया एक शून्य शून्य तो तीन का तीन, सैकड़ा को भी छोड़ दिए। अब हजार हजार का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा तीन शून्य शून्य, इस प्रकार से हमारा उत्तर एक ही पंक्ति में आपको समझ आ गया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। अगर और समझ नहीं आया होगा, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा होगा तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा, हम आपके समस्या का समाधान करने के लिए ही उपस्थित हैं। और ये वीडियो अगर आप पसंद आया है तो यूट्यूब पर मानिकराम वर्मा चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी चिर परिचित लोग हैं जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं सब में शेयर कीजिएगा। हमारे गणित के प्रति मन में जो भय बैठा हुआ है वह गणित के प्रति जो भय वो दूर करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। पुनः आपसे YouTube पर मानिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करने का आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, सब समझे गणित, गणित के मन में गणित के प्रति मन में किसी प्रकार का भय ना हो, इसीलिए हम इस YouTube चैनल को आपके लिए लाए हैं। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।